प्रशांत, आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन के शॉर्ट अप्रोच क्या क्या हो सकते हैं। लाइक ऐसे अगर हमारे कुछ पेपर में एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो हम एमसीक्यूज को बिना सॉल्व किए, मतलब एक शॉर्ट अप्रोच से कैसे हम टिक लगा सकते हैं कुछ चंद सेकंडों में। ठीक, तो सबसे पहले लाइक ऐसे हमें कुछ इस टाइप का डिफरेंशिएशन दे रखा हो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ इम्प्लिसिट फंक्शन। हिंदी में मेरे को नहीं मालूम भाई क्या कहते हैं इसको, बट आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे कि किस टाइप का फंक्शन होता है। क्लियर? अब देखो उधर, लाइक ऐसे हमें दे रखी है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। क्लियर? और मैं आपसे कहता हूं कि आप dy ओवर dx फाइंड करो। क्लियर? तो जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन दे रखा हो, इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा हो, तो आप उसको शॉर्ट अप्रोच में जल्दी से जल्दी कैसे उसको अवकलन करेंगे वो देखो आप। तो सबसे पहले बेटा, अगर हम dy ओवर dx फाइंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले माइनस का साइन लगाओ और यहां पे x के सापेक्ष अवकलन करो। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष वाई को अचर मान के, क्या मान के? अचर मान कर। ठीक है भाई? और नीचे करोगे बेटा वाई के सापेक्ष एक्स को अचर मान कर। ठीक है भाई? अब सुनो, ये मानकर अलग अलग है, एक साथ दिख रहा है वो बात अलग है। ठीक है? अब सुनो, अगर मैं इसका अवकलन करता नॉर्मली, नॉर्मली अगर मैं इसका अवकलन करता तो मैं कैसे कर रहा होता भाई? देखो इधर, एक्स स्क्वायर का क्या होता? 2x है ना, और ये 2 बेटा एक्स को फिक्स रखता, और वाई का करता तो dy ओवर प्लस वाई को फिक्स रखता, एक्स का 1 हो जाता। हाँ, है ना? क्लियर? एक्स के सापेक्ष में अवकलन करता तो इसी टाइप से करता। अब सुनो, वाई स्क्वायर का करता बेटा क्या होता? 2y, और वाई का dy ओवर dx प्लस 2 बेटा एक्स स्क्वायर को फिक्स रखो, वाई का बेटा क्या आएगा? dy ओवर dx प्लस, हाँ भाई, वाई को फिक्स रखो, एक्स स्क्वायर का बेटा क्या आएगा? 2x इक्वल टू 0। हाँ, है ना? ठीक है भाई? अब सुनो, 2x बेटा अंदर मल्टीप्लाई करो, 2x dy ओवर dx आएगा प्लस ये 2y, और ये 2y dy ओवर dx प्लस 2x स्क्वायर dy ओवर dx बेटा क्या आएगा? 4xy आएगा इक्वल टू 0। अब मैंने हमेशा कहा है कि आप जितने भी dy ओवर dx वाले टर्म्स होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो और बाकी सबको राइट हैंड साइड पे भेज दो। आया ना? तो dy ओवर dx वाले टर्म मेरा, मेरे पास एक ये है और एक ये है और एक ये है। यहां से अगर मैंने dy ओवर dx कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा? 2x बचेगा, यहां पे बचेगा 2y। क्लियर? यहां पे बचेगा बेटा 2x स्क्वायर। क्लियर? बाकी सबको मैं इधर फेंकूंगा तो बेटा माइनस का 2x ये आएगा इधर, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2y बड़े माइनस का 4xy। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? अब सुनो, तो dy ओवर dx इक्वल टू बड़े यहां से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा? 2x प्लस 2y, और ये 4xy अपॉन ये बेटा इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2y, और ये 2x स्क्वायर, और ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनो, इसी चीज को मैं शॉर्ट अप्रोच से कैसे कर सकता था? देखो इधर, ये हमारा आंसर था नॉर्मल तरीके से। ठीक, ज्यादा शिफ्ट तो नहीं हो रहा भाई? ठीक है, अब सुनो, इसी चीज को मैं अब शॉर्ट अप्रोच से कैसे कर सकता हूं? इस तरीके का यूज करो आप। तो dy ओवर dx
इक्वल टू, बेटा क्या करेंगे माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन और वाई को क्या मानेंगे कांस्टेंट, क्या मानेंगे कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा टू एक्स आएगा, क्लियर बेटा। वाई तो कांस्टेंट है तो ये टू वाई हो जाएगा और एक्स का बेटा क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में वन, एक्स का एक्स रिस्पेक्ट में क्या होगा वन, तो वन इंटू टू वाई क्या है बेटा ये टू वाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक बेटा। वाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का बेटा क्या होता है जीरो, तो इस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। अब सुनो ये टू वाई और एक्स स्क्वायर का बेटा क्या होगा टू एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, तो ये टू वाई इंटू टू एक्स बेटा क्या हो जाएगा ये फोर एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ है ना, हाँ वाई और रह गया बेटा यहाँ पे, ठीक। अब सुनो अब यहाँ पे डिनोमेटर में हर में क्या करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे x को अचर मानकर, ठीक है भाई, x को कांस्टेंट मानकर। तो बेटा एक्स स्क्वायर तो बेटा कांस्टेंट है, इसका क्या होगा जीरो, बेटा y का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा वन, तो वन इंटू टू एक्स टू एक्स, क्लियर यहां तक। बेटा वाई स्क्वायर का क्या होगा टू वाई, बेटा यहां पे क्या होगा y का वन हो जाएगा तो क्या बचेगा यहां पे टू एक्स स्क्वायर, हाँ है ना। देखो यहां से अगर हम देखें तो एक ही लाइन में हमारा आंसर यही आ रहा होगा डिट्टो जो आ रहा है यहाँ पे, क्लियर बात समझ आ रही है। तो एमसीक्यूज में अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है इम्प्लिसिट फंक्शन से करने के लिए, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस, ऊपर करेंगे एक्स के सापेक्ष वाई को कांस्टेंट मानकर और नीचे करेंगे हर में वाई के सापेक्ष एक्स को कांस्टेंट मानकर, बात समझ आ रही है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्लियर बात समझ आ रही है। अब सुनो जरा, अगर शीट में से अगर हम देखें कुछ क्वेश्चन, इससे बहुत टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा कोई टाइप नहीं है जो इससे नहीं हो सकता नॉर्मल इम्प्लिसिट फंक्शन का। अगर आप मेरे को शीट दें तो अभी शीट से मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करके दिखा दूंगा। लाइक इस, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन था एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एन और एक्स प्लस वाई की पावर एम प्लस एन, ठीक है भाई, क्लियर। अब सुनो हमने क्या किया था, इस टाइप के फंक्शन में लॉग लिया था, तो लॉग ले लेते हैं। तो बेटा ये क्या आएगा, लॉग एक्स की पावर एम और प्लस लॉग वाई की पावर एन, बेटा लॉग एक्स प्लस वाई की पावर एम प्लस एन, बेटा लॉग एम इन टू एन लॉग एम प्लस एन हो जाता है, मैंने एक स्टेप गायब कर दिया है, ठीक। अब यहां से अगर देखो तो पावर आ जाएगी एम लॉग एक्स हो जाएगा और ये एन लॉग वाई हो जाएगा, बेटा पावर आगे आ जाएगी तो एम प्लस एन लॉग एक्स प्लस वाई। अब सुनो इसको मैं इधर साइड पे लेके आ जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा और इक्वल टू में बेटा क्या हो जाएगा जीरो, कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट। अब सुनो हाँ भाई, मैंने क्या बोला था डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बेटा माइनस लिखेंगे और अंश में क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y को कांस्टेंट मानकर, ठीक है भाई। तो x के सापेक्ष अवकलन करूंगा बेटा log x का क्या आएगा वन अपॉन x, तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन x, हाँ है ना। बेटा y तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा जीरो, बाकी ये बचेगा m प्लस एन अपॉन x प्लस वाई, बेटा x का करूंगा तो वन आएगा और y का क्या आएगा जीरो, क्योंकि y को हम बेटा क्या मान रहे हैं कॉन्स्टेंट मान रहे हैं, क्लियर यहां तक, कोई डाउट। अब सुनो बेटा यहाँ पे किसको मानना है, एक्स को कांस्टेंट मानना है और वाई के सापेक्ष अवकलन करना है, तो बेटा ये कांस्टेंट कांस्टेंट माना है तो इसका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और ये एन अपॉन वाई हो जाएगा माइनस एम अपॉन एन सॉरी एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई। बेटा एक्स का यहाँ पे जीरो हो जाएगा और वाई का बेटा क्या हो जाएगा वन, क्योंकि एक्स के कॉन्स्टेंट मान के कर रहे हैं, एक्स को कॉन्स्टेंट मान के कर रहे हैं तो एक्स का जीरो हो जाएगा और y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का y के सापेक्ष बेटा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, हाँ है ना। अब सुनो तो बेटा इसको मैं कर सकता हूँ माइनस, बेटा वन का मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हमारा जो एलसीएम आएगा बेटा यहाँ पे आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, क्लियर बेटा एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स, ये ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है भाई। अब सुनो
बेटा यहां से वन का मल्टीप्लाई करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पे हमारा एलसीएम आएगा वाई इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर? ये जाए बेटा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई, हाँ भाई माइनस का एन वाई, कोई दिक्कत यहां तक? अब सुनो बेटा माइनस, हाँ भाई एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कटेगा, ये बेटा एम एक्स से ये एम एक्स कटेगा और ये एम एन वाई से एन वाई कटेगा, हाँ या ना? तो हमारे पास आएगा बेटा एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एक्स, बेटा क्या आएगा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई, हाँ या ना? अब सुनो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक एक स्टेप लिख रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना टाइम ही लगेगा, बात समझ आ रही है? अब सुनो एम वाई माइनस एन एक्स, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ माइनस का तो क्या हो जाएगा एन एक्स माइनस एम वाई हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो एन एक्स माइनस एम वाई, ठीक है भाई, अपॉन एक्स बेटा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई, ये पूरा कट जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा ये वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। अब सुनो वैसे भी आप इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन देखें तो उसका आंसर बेटा क्या लगाएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स ही लगाएंगे, चाहे वो इस टाइप का दे रखा हो या फिर ऐसा दे रखा हो एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई ए प्लस पावर ए प्लस बी दे रखा पावर में, तो इसका आंसर भी क्या होगा बेटा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन, जब भी एम सी क्यूज में आता तो वाई अपॉन एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट? अब सुनो दूसरे टाइप का आपने देखा होगा इन्फाइनाइट सीरीज का चलता है हमारे पास, वाई इक्वल टू अंडर रूट, अंडर रूट के अंदर दे रखा होता है लाइक एज एफ एक्स प्लस एफ एक्स अंडर रूट में अगेन प्लस अंडर रूट में एफ एक्स, इस तरीके से चलता रहता है, हाँ है ना? क्लियर? अब सुनो जब हम इसका अवकलन करते थे तो कैसे करते थे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो क्या जाए बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स प्लस, बेटा यहां से देखो तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस ऐसे चलता रहेगा, हाँ या ना? और इसको देखा जाए तो बेटा समीकरण एक से किसकी वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, हाँ या ना? तो मैं इसको लिख सकता हूं वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, हाँ या ना? अब सुनो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो तो हमारे पास क्या है बेटा वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स, बेटा एफ एक्स का क्या होगा एफ डैश एक्स, और वाई का बेटा क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स, हाँ है ना? डी वाई ओवर डी एक्स वाले टर्म्स जितने भी होते हैं उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया करो, तो डी वाई ओवर डी एक्स वाले जितने भी टर्म्स हैं मेरे पास उन सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड पर लूंगा, तो ये माइनस का डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा इधर आके, और ये क्या बचेगा बेटा एफ डैश एक्स बचेगा, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लें तो बेटा ये क्या होगा टू वाई माइनस वन इक्वल टू एफ डैश एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू जो आएगी हमारे पास क्या आएगी एफ डैश एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन। इट मीन्स आपको इस टाइप के कितने भी क्वेश्चन दे रखे हों और कैसे भी क्वेश्चन दे रखे हों, लाइक एस मैं आपके लिए अब कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, वाई इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस ऐसे दे रखा है, ठीक है भाई। अब सुनो ये हमारा एफ एक्स दे रखा है तो बेटा एफ डैश एक्स का मतलब है इसका अवकलन, हाँ भाई साहब, अरे बहुत बहुत सही आया उधर, मैंने इनको ज़्यादा खिला दिया, ये पच नहीं रहा है, निकल रहा है, वापस आ रहा है ना, पढ़ा लेने वालक आओ उधर, ये क्या एफ एक्स है और ये क्या लिखा है बेटा एफ डैश एक्स का मतलब है इसका अवकलन, क्या अवकलन, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है उसका अवकलन, तो इस कॉस एक्स का अवकलन करूंगा बेटा क्या आएगा माइनस का अपॉन टू वाई माइनस वन, और ये क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स, एमसीक्यूज में डायरेक्ट लगाने के लिए, ठीक है भाई। लैकस आपको एक और क्वेश्चन दे दूं तो वाई इक्वल टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स ऐसे दे रखा है, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या लिखोगे अपॉन में, तो टू वाई माइनस वन आएगा, और बेटा इसका
डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा क्या आएगा, वन अपॉन, तो इसको लिखें तो वन अपॉन एक्स इंटू टू वाई माइनस, हाँ है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक? इस टाइप का आप कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो आप टिक लगा दोगे कुछ चंद सेकंडों में? अरे लगा दोगे नहीं लगा दोगे, एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट हैं। अब सुनो, अब आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखे होंगे जिसमें मैं एक्स की पावर एक्स दे रखी है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स दे रखी है, हाँ है ना, कॉस एक्स की पावर कॉस एक्स दे रखी है, हाँ है ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे आप लोगों ने, क्लियर? तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइप का जब क्वेश्चन होता है तो हमें क्या दे रखा होता है, एफ एक्स की पावर क्या दे रखी है, एफ एक्स ही दे रखी है, क्या दे रखी है, एफ एक्स, हाँ है ना, ठीक। और जब हमें एफ एक्स की पावर एफ एक्स दे रखी हो तो हम क्या करते थे बेटा, लॉग लेते थे, क्या लेते थे, लॉग। तो बेटा टेक लॉग, तो लॉग लेंगे तो बेटा ये क्या आएगा, लॉग वाई, और ये लॉग एफ एक्स की पावर एफ एक्स, हाँ है ना बेटा, पावर आ गया जाएगी, ये क्या जाएगा, एफ एक्स लॉग एफ एक्स हो जाएगा, हाँ है ना, बात समझ आ रही बेटा यहाँ तक? अब सुनो, इसका जब मैं अवकलन करता था, क्या करता था, अवकलन, तो मैं क्या करता था, इसको पहला मान लेता था, इसको, चलो अब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर, राइटिंग पर मत जाना बेटा, जो कंटेंट दे रहा हूँ वो देखो, ठीक है? तो लॉग वाई का क्या होगा, वन अपॉन वाई, और वाई का डी वाई ओवर डी एक्स, बेटा पहले को फिक्स रखो एफ एक्स को, बेटा लॉग का क्या आएगा, वन अपॉन, और एफ एक्स का फिर अवकलन करेंगे तो एफ डैश, हाँ है ना भाई, एफ एक्स को फिक्स रखा, लॉग का क्या आएगा, वन अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स करेंगे तो एफ डैश एक्स प्लस लॉग एफ एक्स, और इस वाले एफ एक्स का अवकलन करूंगा बेटा क्या आएगा, एफ डैश एक्स, हाँ है ना बेटा, ये एफ एक्स कट जाएगा, तो वन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स बेटा एफ डैश एक्स प्लस बेटा इससे एफ डैश एक्स को आगे लिख लो, और ये लॉग एफ एक्स, हाँ है ना बेटा, इस वाई को तो लेके जाओ, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई, ये एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स लॉग एफ एक्स, हाँ है ना, हाँ है ना बेटा, वाई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एफ एक्स की पावर एफ एक्स, तो एफ एक्स की पावर एफ एक्स, और ये एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स लॉग एफ एक्स, ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सुनो, इससे हम कैसे शॉर्ट अप्रोच में इजीली आंसर निकाल लेंगे, ठीक है भाई? तो देखो उधर हमें दे रखा है वाई इक्वल टू एक्स की पावर एक्स दे रखा, क्या दे रखा है, एक्स की पावर एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बेटा जैसा एफ एक्स की पावर एफ एक्स है तो एफ एक्स की पावर एफ एक्स लिख दो, क्लियर? अब सुनो यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश एक्स, क्या आएगा, एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू पता है यहाँ पे कितनी है, कितनी है, एक्स ही तो है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स ही तो है, एक्स की पावर एफ एक्स, एक्स की पावर एक्स दे रखा है, इट मीन्स एक्स को हमने क्या माना, एफ एक्स मान लिया, क्लियर? तो ये हो जाएगा एफ एक्स की पावर एफ एक्स, फिर यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, एफ एक्स का अवकलन, इट मीन्स एक्स का अवकलन बेटा क्या आएगा, वन, फिर बेटा प्लस लगा दिया, और फिर एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, एक्स का अवकलन कितना आएगा, वन, फिर गुणा का साइन मल्टीप्लाई लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, एक्स, तो हमारे पास बेटा आंसर क्या आएगा, एक्स की पावर एक्स वन प्लस वन का गुणा करूंगा यही रहेगा, और ये लॉग एक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आओ तो दूसरा एग्जांपल, मैंने लिया वाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है भाई? अब सुनो यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या हो गई, साइन एक्स हो गई ना, हाँ है ना, अरे एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स हो गई, नहीं हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सुनो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा बेटा एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स, मतलब साइन एक्स की पावर साइन एक्स, हाँ है ना, क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट? अब सुनो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा, क्या आएगा, एफ डैश एक्स, क्लियर? अब सुनो
कॉस एक्स प्लस एफ डैश एक्स मतलब बेटा क्या आएगा, कॉस एक्स, और ये लॉग एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, साइन एक्स। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट? अब आप इसे लॉन्ग मेथड से निकाल के दिखाओ, किससे, लॉन्ग मेथड से निकाल के दिखाना जरा। यस, साइन एक्स की पावर साइन एक्स को लॉन्ग मेथड से निकाल के दिखाओ और चेक करो ये आंसर बिल्कुल सही है कि नहीं है, जिससे आप श्योर हो जाओ कि हाँ इस मेथड से हमारे आंसर सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है भाई, जरा चेक करो 2 मिनट के लिए। सही है, पक्का सही है? रुको जरा, सबर करो। डिफरेंट पावर के भी होंगे बेटा हमारे पास। आओ, 90% हो जाएंगे उससे क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन में हमें एक्स्ट्रा स्टेप चलने होते हैं, बस ये है। हाँ भाई, यही आ रहा आंसर। कितने बच्चों ने निकाल लिया, 1 2 3, यही आ रहा आंसर। चलो, मतलब आप उस निश्चिंत हो गए कि अगर हम इस वाले शॉर्टकट मेथड को अगर लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है भाई, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। इसका मतलब ये कि अगर आपका एमसीक्यू में या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप का, इस टाइप का, तो आप इजीली आंसर लगा दोगे अगर आपको ये चीज़ पता है तो। हाँ, है ना? ठीक है भाई, अब सुनो, अब देखो नेक्स्ट। जरूरी थोड़ी एफ एक्स की पावर एफ एक्स दे रखी हो, आप ये भी तो कह सकते हो कि हमें एक्स की पावर साइन एक्स दे दी तो, है कि नहीं, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स दे दी तो, आए ना, एटसेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, आए ना। इट मींस जब हमें वाई इक्वल टू एफ एक्स की पावर क्या दे रखी हो, जी एक्स दे रखी हो, क्या दे रखी हो भाई, ये अलग फलन है और ये अलग फलन है, तो इस फलन को हमने मान लिया एफ एक्स और इस फलन को हमने क्या मान लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है भाई, अब सुनो इधर, जब हमें इस तरीके का फंक्शन दे रखा हो तो हम क्या करेंगे, लॉग ही लेंगे, क्या लेंगे, लॉग लेंगे ना। अब देखो इधर, लॉग लेते हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर बड़े क्या होगा, लॉग वाई इक्वल टू लॉग एफ एक्स की पावर बेटा क्या हो जाएगी यहां पे, जी एक्स। क्लियर बेटा? लॉग एम की पावर एन से बेटा क्या आता है, एन लॉग एम, हाँ, है ना। तो मैं कह सकता हूं लॉग वाई जी एक्स लॉग एफ एक्स, हाँ, है ना, कोई दिक्कत यहां तक। अब सुनो, अब मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, करूंगा, हाँ उधर, तो log y का बेटा क्या होगा, वन अपॉन y, और y का dy वाई ओवर, कोई दिक्कत यहां तक बेटा, पहले को फिक्स दूसरे का, ऐसे ही करेंगे ना। चलो बेटा, पहले को फिक्स रखते हैं, ये लॉग एफ एक्स का अवकलन प्लस लॉग एफ एक्स को फिक्स रखते हैं और जी एक्स का
आप कलन कोई दिक्कत यहां तक। अब सुनो, वन अपॉन वाई डी वाई ओवर डीएक्स तो है ही है ये। हाँ भाई, जी एक्स बेटा लॉक का क्या आएगा, वन अपॉन, और एफ एक्स का एफ डैश लॉग, और जी एक्स का बेटा क्या आएगा, जी डैश एक्स। हाँ या ना भाई, जी एक्स का अवकलन करूंगा तो क्या आएगा, जी डैश एक्स ही आएगा ना। इस वाई को तो लेके जाओ, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई बेटा जी एक्स अपॉन एफ एक्स बेटा एफ डैश एक्स प्लस लॉग एफ एक्स और ये जी डैश एक्स। बेटा वाई की वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या आएगा, एफ एक्स की पावर जी एक्स, तो एफ एक्स की पावर जी एक्स। हाँ भाई, जी एक्स अपॉन एफ एक्स आएगा, और फिर एफ डैश एक्स प्लस लॉग लॉग एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। क्लियर, इस रूल का यूज करो, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब देखो इधर कैसे, एग्जांपल वन, लाइक मैंने मान लिया पहले एक्स पावर साइन एक्स ही मान लिया, क्या मान लिया। अब सुनो, मेरा एफ एक्स काम किसका करेगा, एफ एक्स का काम एक्स कर रहा है, और जी एक्स का काम बेटा क्या ऑन कर रहा है, साइन एक्स कर रहा है। हाँ या ना, क्लियर। अब सुनो, इसकी फॉर्म में लिख दो पूरा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, हाँ भाई, एफ एक्स की पावर जी एक्स बेटा एफ एक्स की पावर जी एक्स, मतलब बेटा एक्स की पावर साइन एक्स हो जाएगा। हाँ है ना बेटा, जी एक्स अपॉन एफ एक्स, जी एक्स अपॉन एफ एक्स मतलब बेटा जी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स अपॉन एक्स बेटा, फिर किसका, एफ एक्स का अवकलन, किसका अवकलन, एफ एक्स का अवकलन बेटा, एफ एक्स बेटा कितना है, एक्स है, तो इसका अवकलन बेटा क्या आएगा, वन, बीच में प्लस, और फिर लॉग एफ एक्स, लॉग एफ एक्स बेटा क्या है मेरे पास, एक्स, और फिर इन टू में जी एक्स का अवकलन, जी एक्स का अवकलन, तो बेटा जी एक्स का मैं अवकलन करूँ बेटा क्या आएगा, कॉस एक्स। हाँ है ना, और मेरा बेटा यही वाला आंसर हो जाएगा। चाहो तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स की पावर साइन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स, हाँ भाई, कॉस एक्स लॉग एक्स। क्लियर, हाँ है ना, कोई दिक्कत यहां तक। अब सुनो, इसको याद कैसे करोगे आप, तो बेटा बाहर तो जैसा लिखा है वैसा लिख दिया, बाहर तो जैसा लिखा है वैसा लिख दिया। अब देखो, ऊपर जो था पावर में जो था ऊपर लिख दो, और जो नीचे था उसे नीचे लिख दो। क्लियर, और फिर देखो इधर, इसका अवकलन प्लस लॉग इसके साथ ले लो, और इसका अवकलन ले लो। नहीं आया समझ में, जैसा है वैसे लिख दो, ठीक है, ऊपर वाले को ऊपर लिखो, नीचे वाले को नीचे, नीचे वाले का अवकलन प्लस लॉग के साथ कौन आएगा, ये जो नीचे दे रखा है, और ऊपर वाला अवकलन। बात समझ आ रही है, जैसा लिखा है वैसे लिख दो, ऊपर वाले को ऊपर लिखो, नीचे वाले को नीचे, नीचे वाले का अवकलन प्लस लॉग के साथ नीचे वाला, फिर एफ जो ऊपर दे रखा है पावर में उसका अवकलन। ठीक है भाई, आप ऐसे याद कर सकते हो, दो तीन क्वेश्चन करोगे आपको याद हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देगा बेटा, देखो उधर ऊपर का ऊपर, अभी तो जैसा लिखा है वैसे लिखो, तो लॉग एक्स की पावर कॉस एक्स बेटा ऊपर का ऊपर, और नीचे का नीचे, नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो बेटा वन अपॉन एक्स आएगा, प्लस नीचे वाले को लॉग के साथ लिखो तो लॉग इंटू, और ऊपर वाले का अवकलन इट मींस माइनस का, और ये हमारा, कोई दिक्कत, कोई डाउट। ठीक है भाई, इसीलिए मैंने अपनी जो शीट बनाई है उसकी आंसर शीट नहीं बनाई। बात समझ आ रही है, क्योंकि 90% क्वेश्चंस के मैं आंसर दिमाग में कर लेता हूँ, ये आने वाला है, अगर देखेगा सही है तो सही है, नहीं तो गलत है, आंसर शीट की जरूरत क्या है, खामा खा 200 क्वेश्चन की मेरे को एक आंसर शीट एक पेज और वेस्ट करना पड़ता है कि नहीं। बात समझ आ रही है, आओ उधर। अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन करके दिखाओ आप लोग, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, इसका अवकलन करके दिखाओ आप लोग।
हो गया, बधाई हो। किसके साथ हो गया भाई? ऐसा सवाल हुआ है। चलो अब एक टाइप और भाई, एक टाइप और रह गया अभी। कौन सा याद है आपको? चलो तो पहले इसका आंसर लिख देते हैं भाई, जैसा लिखा है वैसा लिख दो पहले, तो है कि नहीं? फिर ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे वाले का गलन कॉस एक्स आएगा, पर नीचे वाले को फिर लॉग के साथ लिखो तो लॉग साइन एक्स, ऊपर वाले का अवकलन बेटा क्या आएगा? माइनस का। ठीक है भाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ है ना? ठीक है भाई, मजा आ रहा है। आप तो अब छुट्टियों में कर देगो डिफरेंशिएशन को, मास्टर लेके क्वेश्चन तो आप सीधा आंसर दे देना, है क्या? नहीं कर दोगे ऐसा? चलो आ जाओ, मेरा नाम ऊंचा करोगे आप लोग पक्का ना? आओ उधर। कुछ आपने क्वेश्चन देखे थे ऐसे? कैसे ऐसे देखे थे ना, है कि नहीं? देखे थे ना? आओ उधर, ये ट्रेलर है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले देखो उधर। जब इस टाइप का दे रखा हो तो आप कैसे करेंगे? एफ एक्स की पावर एफ एक्स की पावर एफ एक्स, और ऐसे ही मानते यार बेटा अनंत तक। हाँ है ना? इन्फाइनाइट तक मानते जा रहे हैं। अब सुनो बेटा, हम क्या करते थे इसको, वाई इक्वल टू ये एफ एक्स, और इसकी पावर बेटा क्या मान लेते थे इसको? वाई। हाँ है ना भाई? ये पूरा क्या हो जाएगा? ये वाई हो जाएगा ना, तो यहाँ पे वाई लिख देंगे इसको। अब बेटा क्या करेंगे, लॉग लेंगे। लॉग लेने पर, लॉग लेने तो ना बेटा लॉग वाई, ये लॉग एफ एक्स की पावर बेटा वाई, तो बेटा ये लॉग वाई, बेटा वाई आ गया जाएगा, ये हो जाएगा वाई लॉग। हाँ है ना? एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा मैं इसका, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास लॉग वाई का वन अपॉन वाई, वाई का डी वाई ओवर। चलो ये पहला है, और ये पहले को फिक्स रखो बेटा, तो वाई को फिक्स रखो, लॉग एफ एक्स का अवकलन आएगा बेटा वन अपॉन, और फिर एफ एक्स का एफ डैश प्लस लॉग एफ एक्स बेटा, फिर वाई का करेंगे तो डी वाई ओवर। हाँ है ना? मैं बोलता हूँ डी वाई ओवर डिक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर लिया करो, तो यह आएगा वन अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस लॉग एफ एक्स, सॉरी डी वाई ओवर इक्वल टू वाई ये एफ डैश एक्स अपॉन। हाँ है ना? क्लियर? अब सुनो, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बड़ा ये वन अपॉन वाई माइनस लॉग एफ एक्स, और ये वाई इन टू एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। कोई दिक्कत आता बेटा? अब सुनो, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से वाई एलसीएम ले लो। क्या ले लो? वाई एलसीएम, तो ये हो जाएगा वन माइनस वाई लॉग एफ एक्स, और ये वाई एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है भाई, ऐसा करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू ये वाई इधर जाएगा तो ये क्या जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू वन माइनस वाई लॉग एफ एक्स। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है भाई, अब सुनो, इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे होंगे। ठीक है भाई, अब सुनो, y इक्वल टू क्या था हमारे पास अभी, x ई पावर x ई पावर x ई पावर x ऐसे चल रहा था। हाँ है ना? क्लियर? अब सुनो बेटा, एफ एक्स का काम कौन कर रहा है हमारा? x। एफ एक्स का काम कौन कर रहा है? x। बेटा इसका अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिखूं तो
तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स का अवकलन करूंगा बेटा क्या आएगा वन अपॉन एफ एक्स, बेटा कितना है एक्स वन माइनस वाई लॉग बेटा एफ एक्स क्या आएगा एक्स। तो मेरे पास बेटा ये आंसर आएगा वाई स्क्वायर इंटू वन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू वन वाई स्क्वायर आएगा अपॉन एक्स इंटू वन माइनस वाई लॉग एक्स। कोई दिक्कत यहां तक? और यही हमारा आंसर हो जाएगा, हाँ है ना, क्लियर। अब सुनो कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, तो इस ट्रिक को मैं भी पीछे लिख दूंगा, ठीक है भाई। क्या था भाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू वन माइनस वाई लॉग एफ एक्स, हाँ है ना। सॉरी बालक, अब देखो उधर, हाँ भाई डी वाई इक्वल टू में लाके सीधे दे रखा है साइन एक्स की पावर, साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है भाई क्लियर यहां तक। ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, तो बेटा हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या हुई हमारे पास साइन एक्स, हाँ है ना। तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हमारे पास बेटा ये क्या होगा वाई स्क्वायर, बेटा साइन एक्स का एफ एक्स का अवकलन है ना, ये एफ एक्स का अवकलन है, इट मीन साइन एक्स का अवकलन, तो साइन एक्स का अवकलन बेटा क्या आएगा कॉस एक्स, यहाँ पे एफ एक्स लिखेंगे बेटा क्या है वो क्या है साइन एक्स इंटू वन माइनस वाई लॉग, और यही हमारा क्या होगा, कोई दिक्कत यहां तक। चलो लाइक तीसरा क्वेश्चन लिया हमने वाई इक्वल टू रूट एक्स की पावर, रूट एक्स की पावर रूट एक्स, ऐसे चलता जा रहा था, एक क्वेश्चन था ना शीट में ऐसा आया ना, लिखो बेटा डायरेक्ट आंसर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, बेटा इस रूट एक्स का अवकलन करूंगा क्या वन अपॉन, और फिर बेटा यहां पे क्या आएगा रूट एक्स वन माइनस वाई लॉग, ठीक है भाई। अब सुनो वाई स्क्वायर इस टू रूट एक्स को बेटा नीचे ले जाऊंगा बेटा क्या होगा टू एक्स हो जाएगा ना भाई, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा, और ये टू तो ये टू एक्स वन माइनस वाई लॉग रूट एक्स, यही हमारा, कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? अभी ये बताओ कोई और टाइप का क्वेश्चन रह गया क्या, इसी टाइप के थे सारे क्वेश्चंस, और तो नहीं था ना कोई, ठीक सारे टाइप के क्वेश्चंस की आपको ट्रिक मिल गई, कर लोगे अब? कोई भी शीट में अब आंसर नहीं बोलेगा कि आंसर नहीं लिखे आपने, अब आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए भाई, ठीक है आए ना। तो आप चाहे वो एनडीए में बैठना चाहे एयरफोर्स वाले एग्जाम में बैठना, ठीक है इनसे ज़्यादा ऊपर के नहीं आएंगे, ठीक है भाई, ट्वेल्थ के साथ साथ ये आपके आगे भी काम आएगा, ठीक है भाई। चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।